अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप मेरी तरह आप भी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल व करम के साथ आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। अब जो टाइम हो गया वो हो गया सब अपना। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे सांस चढ़ा है क्योंकि मैं दो राउंड लगा के आऊँ तो रेस्ट कर रहा था। मैं बोला व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो आज मौसम जो है वो है तो गर्मी, आसमान पे हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन ये है कि ठंडी हवा जा रही है। तो अभी सांस जो है वो आँखें ही बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, तो सॉरी माइंड ना करिएगा। जो डेली व्लॉग है वो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं जो डेली हूँ और मेरा जो होम रूटीन है वो कैसी होती है। ऐसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इतना बाहर ही निकलते। जब लॉकडाउन नहीं था तो अपना काम था, कहीं कहीं मेड वगैरह भेजे थे तो वो करते थे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी अल्लाह करे ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, हालात बेहतर हो, फिर हमारा भी काम स्टार्ट हो। तो अभी तो यही है, घर में रहते हैं। घर में जो है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि मेरी डेली रूटीन क्या है। तो सूरज जो है वो निकल आ चुका है, अभी ये बिल्डिंग्स हैं इसके पीछे निकल है सूरज। तो अभी जो है मेरे चार राउंड कंप्लीट हो गया, तो अभी घर को जाना है और उसके बाद जहाँ अभी कहीं थोड़ी सी जो है एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। एक्सरसाइज मैं बाहर भी कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह नहीं है। घर में मैट वगैरह है तो उसके ऊपर एक्सरसाइज करता हूँ। तो आज का सीन अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि बादल आ रहे हैं, ये बादल तो आ रहे हैं उस तरफ से भी और इस तरफ से भी हवा भी चल रही है। तो उम्मीद यही है कि बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। कल सुबह बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद तकरीबन 12 बजे के बाद वही टाइम गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो अभी यही दुआ है कि बारिश हो जाए। तो बाकी व्लॉग बनाने का ये मकसद है यार कि डेली लाइफ आपके साथ शेयर की जाए कि मैं डेली रूटीन में क्या क्या करता हूँ। अभी तो लॉकडाउन और क्वारंटाइन चल रहा है तो ज़्यादातर जो है हम घर में ही होते हैं क्योंकि अपनी एहतियात भी करनी है तो घर में ही ठीक है। बाकी एक दो दिन में जो मेरी बाइक है कैफे रेसर उसका जो लास्ट पार्ट है वो भी आ जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन अभी जितना खुला है मैंने सीट बनवाने के लिए दे दी थी तो वो तो इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं वो आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। फिर एक दो छोटे काम रह जाएंगे वो सीट लगने के बाद ही होंगे, क्योंकि जब तक सीट न लगे वो काम नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों में उसका भी जो है आपकी वीडियो के साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो है मेरी जो रनिंग वगैरह है पूरी होगी, अभी घर चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। ये चेक करें रेनबो, अगर आपको नज़र आ रही होगी तो मुझे लगता है कि आसमान की बारिश हुई है और ये रेनबो निकली है। तो अभी का सीन ये है कि पीछे सूरज निकल आया है और जो मेरी फ्रंट तरफ है वहाँ से बादल आ रहे हैं। तो अभी मैं कंप्लीट कर ली अपनी रनिंग, अभी घर को चलते हैं फिर वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करेंगे। मैं कह रहा था तो वेलकम बैक। अब टाइम हो गया वो हो गया 6:22। तो मेरा जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो गया, तकरीबन 30 से 45 मिनट का वर्कआउट होता है। तो अभी जो है वो फ्रेश हो लेते हैं और फिर जो है रेस्ट करेंगे। तो वेलकम बैक नाज़रीन। तो अभी का सीन जो है वो ये है कि अभी टाइम हो चुका है 6:30 और अभी छत पे आए हैं। धूप उसी तरह है, सुबह मौसम बड़ा अच्छा था लेकिन अभी धूप उसी तरह, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी का सीन ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे छत पे, थोड़ी सी हवा ठंडी ठंडी लेंगे और मौसम इंजॉय करेंगे जो बहुत गर्म है, बट हम ठंडी ठंडी हवा इंजॉय करेंगे। और थोड़ी देर बाद आज जो है वो कुकिंग का दिल कर रहा है तो चिकन कढ़ाई बनाएंगे, बल्कि चिकन कढ़ाई तो नहीं, विंग्स की कढ़ाई बनाएंगे
तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी का सीन ये है कि जो मैं चलता हूँ किचन में कढ़ाई बनाने, और आप जो है ये देखें। तो अभी जो यार कढ़ाई जो है वो तकरीबन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बस तकरीबन 10 से 15 मिनट और बनेगी, फिर उसके बाद जो है रोटियां लेके आऊँगा मैं बाज़ार से, तो फिर खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आपको बताऊँगा कि कैसी बनी है। तो अभी जो है वेट करते हैं। तो वेलकम बैक, टाइम हो चुका है 8:45 का, तो खाना खा लिया है, आउट क्लास कढ़ाई बनी थी, बड़े मज़े का टेस्ट आया था, छोटे बच्चे भी आए हुए थे, एंजॉय किया भरपूर। तो अभी जो है इस वीडियो की एंडिंग करते हैं और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दें अपने प्यारों दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।